Hello and welcome back everyone to this channel Chemistry Classes. Today I will be discussing a topic that was asked to me in my BARC interview. So the panel asked me to tell something about crystal field theory of transition metal complexes. So जो सबसे पहला point मैंने इस theory के बारे में बताया वो था that the main assumption that this theory makes is that the bond between metal and ligand is 100% ionic or it is completely electrostatic in nature. तो इस point के बाद उन्होंने मुझे रोका और कहा but there are some experimental arguments that suggest that the bond between metal and ligand is not completely ionic. It also has some amount of covalent character. So what are those experimental observations? तो जो पहला ऐसा observation है वो है कि suppose मैं किसी complex का EPR spectra लेता हूँ. EPR spectra मतलब electron paramagnetic resonance spectra. तो मेरे पास एक complex है जिसमें metal आयन M है और उसके पास एक unpaired electron है जिसकी वजह से EPR spectra आएगा. Now this metal M is bonded to some atom of the ligand. अब जो ये atom है इसके लिए जो nuclear spin quantum number है that is not equals to zero. इसका मतलब क्या है? That this atom will show its presence in the EPR spectra. कैसे? जो हमारा EPR signal आएगा that will be split. वो स्प्लिट हो जाएगा इस एक्टिव न्यूक्लियाई की वजह से जिसे हम EPR स्पेक्ट्रम में बोलते हैं हाइपर फाइन स्प्लिटिंग. तो अगर इस इलेक्ट्रॉन का जो EPR स्पेक्ट्रा आया है वो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एक ऐसे ऑर्बिटल में प्रेजेंट है जिसमें मेटल का भी कैरेक्टर है और लिगेंड का भी कैरेक्टर है. अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटल और लिगेंड है उसके बीच में जो बॉन्ड है that is showing some amount of covalent character. तो ये था हमारा पहला एविडेंस जो हमें बताता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में covalent character है. अब सेकंड एविडेंस हमारा क्या है? एक एविडेंस है हमारे पास, एक पैरामीटर होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पैरामीटर. इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पैरामीटर. इस पैरामीटर का एक नाम और है राकाह पैरामीटर. दिस पैरामीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय बी. तो हमने क्या किया, इस पैरामीटर को कैलकुलेट किया कॉम्प्लेक्स के लिए और एक फ्री मेटल आयन के लिए. फ्री मेटल आयन का मतलब क्या है कि जब हमारे मेटल आयन गैसियस स्टेट में है और तब उसके साथ कोई भी लिगेंड अटैच्ड नहीं है. तो इस पैरामीटर की वैल्यू हमने एक कॉम्प्लेक्स के लिए निकाली जिसे हम बोल रहे हैं बी कॉम्प्लेक्स और एक हमने इस उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल आयन है उसकी फ्री स्टेट में निकाली जिसे हम बोल रहे हैं बी फ्री आयन. तो हमने क्या पाया कि बी कॉम्प्लेक्स की जो वैल्यू है वो हमारी कम है बी फ्री आयन की वैल्यू से. इसका मतलब क्या है कि जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो हमारा कॉम्प्लेक्स के अंदर कम है और फ्री मेटल आयन के अंदर ज्यादा है. तो अब हमारा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कॉम्प्लेक्स के अंदर कम होने का मतलब क्या है कि जो हमारा मेटल का ऑर्बिटल है और जो हमारा लिगेंड का एटॉमिक ऑर्बिटल है दे हैव ओवरलैप्ड टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी वजह से जो डी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट इज गेटिंग द पाथवे टू एस्केप अवे फ्रॉम द मेटल जिसकी वजह से जो हमारा डी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो हमारा कम रिपल्शन फेस कर रहा है जिसकी वजह से ये जो रिपल्शन पैरामीटर हमने कॉम्प्लेक्स के लिए निकाला है इसकी वैल्यू कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ फ्री आयन. तो इससे हमें पता चलता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो हमारी बॉन्डिंग है दैट इज नॉट कंप्लीटली आयोनिक और उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट है. इस इफेक्ट को विच shows the decrease in the inter-electronic repulsion is known as Nephelopsetic effect. Nephelopsetic effect. Nephelopsetic effect में Nephelopsetic का मतलब है electron cloud expanding, जो कि हमारा हुआ भी है. कॉम्प्लेक्स जब बन जा रहा है तो उसमें जो डी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट इज एबल टू एक्सपेंड. तो इसीलिए हम इसे
नेफेलोक्सेटिक जो आया है वो वहीं से आया है, क्योंकि इस नेफेलोक्सेटिक वर्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंडिंग। सो नाउ जो ये टॉपिक है नेफेलोक्सेटिक इफेक्ट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड दिस टाइम दिस टॉपिक हैज बीन एडेड इन गेट सिलेबस, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक इन मच डिटेल सो दैट यू विल बी एबल टू कवर द क्वेश्चन इफ इट इज आस्क्ड इन एग्जाम। तो नेफेलोक्सेटिक इफेक्ट में तो हम यही देख रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट इज डीलोकलाइजिंग मोर, बिकॉज नाउ द इलेक्ट्रॉन is having more space, the average separation of the electron cloud has increased, जिसकी वजह से it is experiencing reduction in mutual repulsion, तो इसे ही हम nephelocytic effect बोलते हैं। तो ये तो हमारा है theoretical, अब इसकी एक mathematical parameter भी है जिसे हम बोलते हैं nephelocytic ratio, nephelocytic ratio, इसका एक दूसरा नाम भी है नेफेलोक्सेटिक पैरामीटर। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, एंड दिस इज नथिंग बट ओनली द रेशियो ऑफ राका पैरामीटर ऑफ कॉम्प्लेक्स टू द राका पैरामीटर ऑफ फ्री आयन। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बी नोट से। तो बेसिकली नेफेलोक्सेटिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ द राका पैरामीटर ऑफ द कॉम्प्लेक्स टू द राका पैरामीटर ऑफ द फ्री आयन। अब ये बात बहुत ही ऑब्वियस है कि बी कॉम्प्लेक्स की जो वैल्यू है दैट विल ऑलवेज बी लेस देन बी नॉट, बिकॉज जो हमारा रिपल्शन है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर कम है और फ्री आयन के अंदर ज्यादा है, तो इसका मतलब दिस विल होल्ड ऑलवेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी बीटा की वैल्यू है दैट विल ऑलवेज बी लेस देन वन, बीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। अब बेसिकली जो बीटा है हमारा वो हमारा 1 से कम है, तो बेसिकली वो 1 से जितना ज्यादा कम होगा तो उससे हमें पता चलेगा कि नेफेलोक्सेटिक इफेक्ट उतना ही ज्यादा है, बिकॉज नेफेलोक्सेटिक इफेक्ट जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा रिपल्शन में हमारी कमी आई है, और जितनी ज्यादा रिपल्शन में कमी आएगी उतना ही ज्यादा राका पैरामीटर की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर हमारी राका पैरामीटर बी की वैल्यू कम हो जाती है तो हमारी बीटा की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो नेफेलोक्सेटिक इफेक्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा ये दोनों पैरामीटर्स हमारे कम होते जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि नेफेलोक्सेटिक इफेक्ट इज इनवर्सली रिलेटेड टू नेफेलोक्सेटिक रेशियो, बिकॉज जितना ज्यादा नेफेलोक्सेटिक इफेक्ट का एक्सटेंट बढ़ेगा उतना ज्यादा ही हमारी ये रेशियो घटती जाएगी, बिकॉज नेफेलोक्सेटिक इफेक्ट के एक्सटेंट के बढ़ने का मतलब है रिपल्शन में कमी आना, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का कम हो जाना। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर नेफेलोक्सेटिक इफेक्ट का जो एक्सटेंट है वो कितना होगा, ये हमें पता चलेगा कि हमारा मेटल कौन सा है और हमारा लिगेंड कौन सा है। ऑब्वियसली जो इस इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्सेस के लिए कर रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्सेस किससे बनता है, मेटल से बनता है और लिगेंड से बनता है। तो हमारे पास दो एक्चुअली कॉन्स्टेंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि नेफेलोक्सेटिक पैरामीटर का एक्सटेंट क्या है। तो जो मेटल के लिए हमारा पैरामीटर है उसे हम डिनोट करते हैं के से, सो दिस के इज फॉर मेटल्स एंड इट टेल्स अस द एक्सटेंट ऑफ नेफेलोक्सेटिक इफेक्ट फॉर मेटल्स। और जो हमारा लिगेंड के लिए कॉन्स्टेंट है वो है हमारा एच, ये जो एच है दिस इज फॉर लिगेंड्स एंड दिस कॉन्स्टेंट टेल्स अस दैट हाउ मच दैट लिगेंड इज इफेक्टिव इन नेफेलोक्सेटिक इफेक्ट, मतलब नेफेलोक्सेटिक इफेक्ट वो लिगेंड कितना ज्यादा करवा पा रहा है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो बेसिकली नेफेलोक्सेटिक इफेक्ट is directly proportional to K and H, because इस K की value जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा nephelocytic effect होगा, similarly H की value किसी particular ligand के लिए ज्यादा होगी तो उतना ही ज्यादा वो ligand nephelocytic effect को करवा पाएगा। So these both constants are directly proportional to nephelocytic effect. अब basically मेरे पास एक series है जिससे हम पता लगाएंगे कि कौन सा लिगेंड कितना ज्यादा इफेक्टिव है नेफेलोक्सेटिक इफेक्ट के लिए। तो ये सीरीज जो है दिस इज फॉर लिगेंड्स एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मेटल आयन,
मतलब अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में एक कॉमन मेटल आयन है देन दिस सीरीज विल होल्ड। तो अब ये सीरीज हमारी क्या है, F माइनस H2O NH3 इथाइलिन डायमीन ऑक्सेलेटो NCS माइनस Cl माइनस Cn माइनस Br माइनस N3 माइनस एंड I माइनस। बेसिकली ये कुछ लिगेंड्स हैं जो मैंने अभी यहां पे लिखे हैं। तो जब भी मैं फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ मूव कर रहा हूं, जैसे ही मैं ऐसे राइट की तरफ मूव कर रहा हूं, तो जो नेफेल ऑक्सेटिक इफेक्ट है वो मेरा बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ जाऊंगा तो जो एच है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। मतलब फ्लोराइड इज नॉट एज एफिशियंट फॉर नेफेल ऑक्सेटिक इफेक्ट एज आयोडाइड। मतलब अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेरा फ्लोराइड प्रेजेंट है और सेमी मेटल आयन के साथ मेरा आयोडाइड प्रेजेंट है, तो आयोडाइड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को ज्यादा घटाएगा। इट विल इंट्रोड्यूस नेफेल ऑक्सेटिक इफेक्ट टू मोर एक्सटेंट इन दैट कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूं तो नेफेल ऑक्सेटिक इफेक्ट बढ़ रहा है, एच की वैल्यू भी बढ़ रही है, पर बीटा की वैल्यू क्या होगी, वो ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। बिकॉज नेफेल ऑक्सेटिक इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, बिकॉज दिस बीटा हमें बताता है कि रिडक्शन कितना आया है हमारा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन में। तो अभी मैं इनमें से कुछ लिगेंड्स की एच वैल्यू बताऊंगा। जैसे फ्लोराइड के लिए एच वैल्यू 0.8, H2O के लिए इज 1.0, NH3 के लिए इट्स 1.4, इथाइलिन डायमीन और ऑक्सेलेटो के लिए इट्स सेम 1.5 1.5, फॉर Cl माइनस इट्स 2.0, फॉर Cn माइनस इट्स 2.1, फॉर Br माइनस इट्स 2.3, फॉर N3 माइनस इट्स 2.4, फॉर आयोडाइड इट्स 2.7। तो हम देख सकते हैं कि इस एच की वैल्यू फ्लोरो से आयोडो तक जैसे ही हम जा रहे हैं वैसे वैसे इस एच की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि नेफेल ऑक्सेटिक इफेक्ट हमारा बढ़ता जा रहा है। और इस चीज के प्रूफ के लिए एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है Ni F6 4 माइनस। इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो बी की हमारी वैल्यू है वो है 843 सेंटीमीटर इनवर्स, और एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स है Ni Br4 2 माइनस। इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो बी की वैल्यू है दैट इज 600 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम ये देख सकते हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हमारा मेटल आयन प्रेजेंट है दैट इज निकल 2 प्लस, बट इसमें यहाँ पे कौन सा लिगेंड प्रेजेंट है, F माइनस, और इसमें यहाँ पे कौन सा लिगेंड प्रेजेंट है, Br माइनस। तो Br माइनस का जो एच वैल्यू है दैट इज वे मोर देन द एच वैल्यू ऑफ F माइनस। तो इसीलिए जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वैल्यू है वो इस Br माइनस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए कम है एज कंपेयर टू दिस F माइनस वाला कॉम्प्लेक्स, इसकी वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन में जो डिक्रीमेंट है वो इस वाले कॉम्प्लेक्स में ज्यादा आया है अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स से कंपेयर करूं। अब सिमिलरली जैसे ये एक सीरीज हमारे पास लिगेंड्स के लिए है वैसे ही एक सीरीज हमारे पास मेटल आयंस के लिए भी है। सो जो वो सीरीज है उसमें हम मेटल आयंस को सजाएंगे नेफेल ऑक्सेटिक इफेक्ट बढ़ते हुए क्रम में, और दैट सीरीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लिगेंड्स। मतलब कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर वो मेटल आयन प्रेजेंट है और हमारे पास लिगेंड बस कॉमन होना चाहिए तो ये सीरीज विल होल्ड गुड। तो वो सीरीज हमारी क्या है, वो सीरीज है Mn2 Ni2 Cobalt 2 Molybdenum 2 Xenium 4 Fe3
IR3, CO3, PT4, PD4। तो ये मेरे पास कुछ मेटल आयंस हैं। जैसे ही मैं Mn2+ की तरफ से आगे बढ़ रहा हूं और PD4 तक जा रहा हूं, तो जो नेफेल ऑक्सेटिक इफेक्ट है दैट इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब किसी कॉम्प्लेक्स में सपोज लिगेंड्स तो सेम लगे हैं, बट एक कॉम्प्लेक्स में हमारे पास Mn2+ है और एक कॉम्प्लेक्स में हमारे पास PD4 है, तो जो हमारा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा वो हमारा इस वाले कॉम्प्लेक्स में कम होगा और इस वाले कॉम्प्लेक्स में ज्यादा होगा। अब अगर नेफेल ऑक्सेटिक इफेक्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो हमारी K वैल्यू है वो हमारी यहां से यहां जाने में बढ़ रही है, और अगर हम बीटा की वैल्यू की बात करेंगे तो बीटा की वैल्यू ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। तो अब इनकी कुछ की मैं के वैल्यूज आपको बता रहा हूं। Mn सेकंड के लिए 0.07, Ni2 के लिए 0.12 और Cobalt-2 के लिए भी 0.12, Fe3 के लिए इट इज 0.24, IR3 के लिए 0.28, Cobalt-3 के लिए 0.33, PT4 के लिए 0.6 एंड PD4 के लिए इट इज 0.7। तो ये हम देख सकते हैं कि इस कांस्टेंट की वैल्यू यहां से यहां जाने में बढ़ रही है। इसका मतलब नेफेल ऑक्सेटिक इफेक्ट का जो एक्सटेंट है वो हमारा यहां से यहां जाने में बढ़ रहा है, और बीटा की हमारी जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली यहां से यहां जाने में हमारी घटेगी। अब मेरे पास एक एक्सप्रेशन है जिसके बेसिस पे मैं एक दो आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा जो नेफेल ऑक्सेटिक इफेक्ट से रिलेटेड है और जो कि आ भी सकता है। तो वो एक्सप्रेशन क्या है, अभी हमने देखा कि बीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन बी नॉट। तो अगर मैं 1 माइनस बीटा की बात करूं तो वो क्या होगा, 1 माइनस बी अपॉन बी नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, बी नॉट माइनस बी अपॉन बी नॉट। तो अगर आप देखें जो ये हमारे पास बन के आया है पैरामीटर, ये हमें बताएगा रिडक्शन इन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। मतलब हमारे पास फ्री मेटल आयन था तो उसके अंदर हमारे पास एक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन था, बट जैसे ही उस फ्री मेटल आयन के पास लिगेंड्स आ गए और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया तो हमारा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के अंदर कितना रिडक्शन आया है ये फैक्टर हमें ये बताता है। तो इस फैक्टर की सिग्निफिकेंस है रिडक्शन इन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और अगर हम इस फैक्टर की मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे देन वी विल गेट द परसेंटेज रिडक्शन इन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो और जो ये हमारा रिडक्शन इन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का फैक्टर है, दिस इज इक्वल्स टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट एच एंड के, दिस वॉज फॉर लिगेंड्स एंड दिस वॉज फॉर मेटल। ये हमारे लिए ऑब्वियस भी है कि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में क्यों है और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, बिकॉज अगर नेफेल ऑक्सेटिक इफेक्ट ज्यादा होगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का जो रिडक्शन है वो ज्यादा होगा, और ये इनकी वैल्यूज कब ज्यादा होती है, जब नेफेल ऑक्सेटिक इफेक्ट हाई होता है। तो इसलिए जो ये हमारा फैक्टर है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एच एंड के। तो अब हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है Fe F6 3-, तो इस कॉम्प्लेक्स में आपसे पूछा गया है कि दैट व्हाट इज द रिडक्शन इन रिपल्शन। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में H और K की वैल्यूज गिवन होंगी, तो Fe3+ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हमारा Fe है वो 3+ स्टेट में प्रेजेंट है, और उसके लिए हमारी जो K की वैल्यू है वो है 0.24, और फ्लोरो के लिए जो हमारी एच की वैल्यू है दैट इज 0.8। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इस कॉम्प्लेक्स जब ये बन गया तो इसमें कितना परसेंटेज रिडक्शन आया इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन में, तो दैट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ 0.24 एंड कहां से आया, यहां से। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.192। तो इसका मतलब क्या है, 19.2% रिडक्शन आया जब हमारे पास Fe3+ फ्री स्टेट में था
तो उसमें जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन था वो ज्यादा था, और जब इसने फ्लोरो के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया तो 19.2% रिडक्शन आया उसके इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन में। ऐसे ही एक कॉम्प्लेक्स और है सीआर NH3+, तो इसके लिए भी हमारे लिए इजी होगा। CR3 के लिए जो हमारी K वैल्यू है दैट इज 0.21, और NH3 के लिए जो हमारी H वैल्यू है दैट इज 1.4, तो इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल्स टू 29.4%। तो बेसिकली जब भी हमारा क्रोमियम से ये कॉम्प्लेक्स बन गया है अमोनिया के साथ तो 29.4% रिडक्शन आया है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन में। सो ये दो कुछ न्यूमेरिकल थे जो नेफिल ऑक्साइटिक इफेक्ट के ऊपर पूछे जा सकते हैं। अब दो चीजें और हैं जो नेफिल ऑक्साइटिक इफेक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज क्या है कि एक चीज होती है पेयरिंग एनर्जी। व्हाट इज पेयरिंग एनर्जी? पेयरिंग एनर्जी इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। बिकॉज एक ऑर्बिटल के अंदर जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो दे एक्सपीरियंस सम रिपल्शन, तो टू ओवरकम दैट रिपल्शन सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो वो सिस्टम के अंदर से ही आती है तभी पेयरिंग हो पाती है। तो अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स के अंदर और फ्री आयन के अंदर, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो पेयरिंग एनर्जी होती है दैट इज ऑब्वियसली लेस, बिकॉज वहां पे जो ऑर्बिटल का साइज है वो बड़ा हो गया है, दैट इज इफेक्टिवली लार्जर। सो पेयरिंग एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स, पेयरिंग एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी ऑफ फ्री आयन। सो दिस इज वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ नेफिल ऑक्साइटिक इफेक्ट। अगर नेफिल ऑक्साइटिक इफेक्ट नहीं होता तो हम इस बारे में नहीं बता पाते, बट नेफिल ऑक्साइटिक इफेक्ट का ही इफेक्ट है कि पेयरिंग एनर्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर कम होती है एज कंपेयर टू द फ्री आयन। एक चीज और है, दिस इज द लास्ट थिंग अबाउट नेफिल ऑक्साइटिक इफेक्ट। जब भी हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को देखते हैं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हम देखते हैं कि दो सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारे पास कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसके अंदर देयर आर टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स, एक है हमारे पास ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स और एक है हमारे पास टी2जी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जो हमारा ईजी ऑर्बिटल है दिस इज यूज्ड फॉर सिग्मा बॉन्डिंग, एंड जो हमारा टी2जी ऑर्बिटल का सेट है दिस इज यूज्ड फॉर पाई बॉन्डिंग। तो बेसिकली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी बन सकता है। तो अब हमें यह पता लगाना है कि कोवलेंसी सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा आएगी या पाई बॉन्ड से ज्यादा आएगी। अब हमारे पास तीन तरीके की ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। एक तो हमारे पास टी2जी से टी2जी वाली ट्रांजिशन पॉसिबल है, एक हमारे पास ईजी से ईजी वाली ट्रांजिशन पॉसिबल है, और एक हमारे पास टी2जी से ईजी वाली ट्रांजिशन पॉसिबल है। ये जो दो ट्रांजिशंस हैं दे आर फॉरबिडन ट्रांजिशंस। अब फिर भी अगर ये ट्रांजिशन हो रही है तो हमारे पास जो बॉन्ड है वो बनेगा हमारा पाई बॉन्ड, जिसे हम बोलेंगे उसके जब हम ऐसी कुछ ट्रांजिशन होगी तो उस फैक्टर को हम बोलेंगे बीटा पाई, और जब ये वाली ट्रांजिशन होगी तो सिग्मा बनेगा तो इसे हम बोलेंगे बीटा सिग्मा, और जब हमारे पास टी2जी से ईजी वाली ट्रांजिशन होगी तो सिग्मा पाई बॉन्ड, तो इसे हम बोलते हैं सिग्मा बीटा सिग्मा पाई। तो अब हमारे से पूछा जा रहा है कि कोवलेंसी किस बॉन्ड में सबसे ज्यादा है। तो जनरली अगर आप देखेंगे जो हमारे ऑर्डिनरी लिगेंड्स होते हैं उनमें जो पहले बॉन्डिंग आप देखेंगे वो होती है सिग्मा बॉन्डिंग, फिर उसके बाद पाई बॉन्डिंग की बात आती है। तो अगर एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये पाया गया कि बीटा पाई वॉज ग्रेटर देन बीटा सिग्मा पाई एंड दिस वॉज ग्रेटर देन बीटा सिग्मा। इसका मतलब जो ये बीटा है, जो ये नेफिल ऑक्साइटिक रेशियो है, ये सिग्मा बॉन्ड के लिए सबसे ज्यादा कम है।
इसका मतलब नेफिलोक्सेटिक इफेक्ट सबसे ज्यादा कब आ रहा है, जब हमारा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। सिग्मा बॉन्ड जब बनेगा तो हमारा नेफिलोक्सेटिक इफेक्ट ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ऑर्बिटल का साइज ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन में जो रिडक्शन है वो सबसे ज्यादा हमें फील होगा, जिसकी वजह से बीटा सिग्मा की वैल्यू हमारी सबसे ज्यादा कम है, देन बीटा सिग्मा पाई, देन बीटा पाई। बीटा पाई के अंदर हमारी सबसे ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी। और इसके एविडेंस के लिए हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं जिससे हमें ये चीज प्रूव होती है। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास CrH2O6+। इस कॉम्प्लेक्स के लिए जब निकाली गई बीटा पाई की वैल्यू तो दिस वाज फाउंड टू बी 0.91 एंड द वैल्यू ऑफ बीटा सिग्मा पाई वाज फाउंड टू बी 0.79। और एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है NiNH3+2+। इसके लिए जो हमारी बीटा सिग्मा पाई की वैल्यू है दैट इज 0.85 और जो हमारी बीटा सिग्मा की वैल्यू है वो है हमारी 0.77। तो बेसिकली ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है जो हमारे इस ऑर्डर को प्रूव करता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। जो ये डेटा मैंने इतना आपको दिया है दैट आई हैव गिवन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक मच बेटर। अगर आपके पास डेटा होगा तो आप चीजें रिलेट कर पाएंगे और आप देख पाएंगे कि अच्छा कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे कैसे लग रहा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। Thank you so much for watching this video and I hope you like this video. Thank you.